करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करण पार्क में पौधारोपण किया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा गो ग्रीन मुहिम चलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक पौधा त्रिवेणी, जिसके लिए देश के कई जगहों से मिट्टी व पानी लाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संस्था के कार्य की सराहना की और कहा, पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत अच्छा कार्य है और प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, पानी बचाओ। और इस संस्था द्वारा कारगिल में शहीद हुए जवानों के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल में पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन बलविंदर कालरा के निवास पर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने भी पहुंचे। उनके साथ ओएसडी अमरिंदर सिंह, मेयर रेणुबाला गुप्ता के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। निफा फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कारगिल के शहीदों की याद में भी ये पौधारोपण किया गया है। और इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, पानी बचाओ अभियान, और साथ में पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं सबको बहुत सर, एक एफआईआर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठकर इस मसले को सुलझाया जा सके, तो उस पर क्या कहना चाहिए? मैंने कल बयान दे दिया। तो सर, एक करनाल आज मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें क्या कुछ वैसे क्योंकि चुनाव है या बैठक के बाद? बैठक के बाद सर, करनाल में जो आटा घोटाला हुआ था उसमें अधिकारियों पर गाज नहीं गिरी, क्योंकि खुद खाद्य आपूर्ति विभाग को ही उसकी जांच दी गई। अगर विजिलेंस को जांच दी जाए, क्योंकि करोड़ों रुपये का आटा बगैर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के नोटिस में नहीं जा सकता। प्रारंभिक जाँच आने के बाद जरूर उसका संज्ञान लिया जाएगा।